तो गौरांग प्रेम साई महाराज ऐसे बता रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव नहीं हुए थे और उस टाइम अद्वैत आचार्य जिनका शांतिपुर में घर है, उनका और एक घर नवद्वीप में है, तो वो सुभाष ठाकुर, ये लोग सब महाभागवत थे और ये लोग आपस में चर्चा करते थे कि कैसे हम लोग ये जो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर उस टाइम लोग धर्म के नाम पे बाहरी क्रियाक्रम ज्यादा करते थे, वो लोग धर्म का आचरण बहुत कम करते थे, बोला जाता था करते ही नहीं थे वो लोग, वो क्या बिल्ली का शादी देता था, ऐसे ऐसे मतलब क्रियाक्रम में, ऐसे ऐसे क्रियाक्रम, कुछ तो क्रियाक्रम करना चाहिए, तो ऐसे ऐसे क्रियाक्रम में वो लोग व्यस्त रहते थे और ऐसे अपने अपने जो पांडित्य है, पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए सारे विद्वान यहाँ पर आके रहे थे और ये सारे विद्वान यहाँ पर आके वो लोग आपस में चर्चा करते थे, विद्या को लेके अपने अपने गर्व प्रकाश करते थे, इतने सारे मुनिया होते थे। तो भागवत बता रहे मुनि मतलब जिसका अलग ही मत रहेगा, जिसका अलग मत नहीं है वो मुनि नहीं हो सकते। तो आज के जमाने में वो पीएचडी जो है, पीएचडी होल्डर्स होते हैं, तो पीएचडी होल्डर्स वो लोग एक एक मुनि है, क्योंकि उन लोगों को बोला जाता है कि तुम्हारा जो प्रीवियस तुम्हारे जो सीनियर है उनका पीएचडी थीसिस पढ़ना है और थीसिस पढ़ के तुम्हारा अलग मत बनाना है, उससे थोड़ा अलग मत। तो मुनि वो लोग ऐसा सब ऐसा होता था। तो शिवा संगन में जैसे हम लोग आज सुने थे, सुबह गौरांग प्रेम साई महाराज बता रहे थे, शिवा संगन में शिवास और उनके चार भाई, मतलब और चार जन मिलके शाम के, मतलब जब अंधेरा हो जाता था चारों ओर सब सो जाते थे, तो वो टाइम वो लोग अपने घर में बहुत जोर से भगवान को पुकारते थे, हरिनाम करते थे, कीर्तन करते थे, जैसे हम लोग आज कर रहे हैं, तो ऐसे जोर जोर से वो लोग करते थे और बाहर के लोग बोलते थे ये लोग हमको सोने नहीं देते, खुद भी सोते नहीं, तो क्या इनका जो घर है, घर को गंगा में डाल दो, सामने गंगा है, गंगा में डाल दो, ये सब घर, ये सब नहीं रहने से अच्छा है, मंगल है हम लोग के, सबके लिए मंगल हो गया, ये हमको सोने नहीं देते, खुद भी नहीं सोता है, इनके खुद के जीवन में शांति नहीं है, दूसरे के जीवन में उपद्रव मचा रहे हैं। तो ऐसे करके वो लोग बहुत असंतुष्ट थे और वो लोग धर्म के नाम पे खाली बाहरी कर्मकांडी एक्टिविटीज ज्यादा करते थे, तो इन लोगों को बहुत दुख होता था कि कैसे ये लोग भगवान के बारे में जाने। तो चैतन्य महाप्रभु, हम लोग पता है चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के द्वारा ये हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किए और कितने गोस्वामी से हमारे सड़क गोस्वामी, सड़क गोस्वामी, ये सड़क गोस्वामी है। तो अभी हम लोग जिस गोस्वामी के बारे में जानेंगे वो है सेवंत गोस्वामी। कौन है सेवंत गोस्वामी? भक्ति विनोद ठाकुर। जय भक्ति विनोद ठाकुर की। तो क्यों भक्ति विनोद ठाकुर को सेवंत गोस्वामी बोला जा रहा है? क्योंकि ये सड़क गोस्वामी जो है, इन लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने निर्देश दिए थे तुम लोग जाओ वृंदावन धाम में और वहां पर जो लुप्त तीर्थ है राधा कृष्ण, ये लोग जो वहां पर लीला रचे थे, लुप्त तीर्थ का उद्धार करो और स्मृति शास्त्र का रचना करो और कैसे वैष्णव एटिकेट बिहेवियर होना चाहिए उसके ऊपर शास्त्र का रचना करो। सनातन गोस्वामी ऐसे बहुत इस शास्त्र का रचना किए, तो हम देख सकते हैं। तो ये लोग बेसिकली क्या है, ये जो परंपरा है जो ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय, तो ब्रह्म माध्य संप्रदाय के जो परंपरा है, ये परंपरा का जो सिस्टम है उसको वो लोग पुनरुद्धार किए, वहां पर वृंदावन में जाके राधा कृष्ण का लीला का स्थान का पुनरुद्धार किए। फिर उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु इतना जोरदार एक हरिनाम संकीर्तन फैले हुए थे, तो हरिनाम संकीर्तन धीरे धीरे वो अपर संप्रदाय में आ गया, सहजिया। सहजिया हम लोग किसको बोलते हैं? तो 12 बोकर, 13 बोकर में कहीं पर पढ़ रहा था, कहीं पर 12 बोकर लिखा हुआ है। 12 बोकर ऐसे असंप्रदाय है जो लड़ा लड़ी करता भजा और क्या क्या सब है, आवुल बावुल, 1300 पुकार हो गए। हाँ, पहले था तो एक 12-13 पुकार के अपर संप्रदाय में विभाजित हो गया, जिन लोगों को सहजिया कहा जाता है। सहजिया मतलब जो लोग साधन भक्ति को सहज बना लिए हैं, मतलब चार नियम पालन नहीं करना है, मन चाहे जब करे ना, मन नहीं चाहे जब नहीं करे, उस जो ये साधन भजन को सहज बना लिए हैं, तो ये लोग सहजिया हैं। तो ऐसे 12-13 अपर संप्रदाय हो गए थे। तो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जो उस टाइम में डेप्यूटी मजिस्ट्रेट थे,
तो वो उस टाइम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय था ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो उसी टाइम में भक्ति ये हम लोग देख सकते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर उसी टाइम के हैं, केदारनाथ दत्त। केदारनाथ दत्त तो भक्ति विनोद ठाकुर डेप्यूटी मजिस्ट्रेट थे और उन्होंने उनका घर तब था पुरी में। पुरी में कहाँ पर जो लोग पुरी परिक्रमा में गया है, कौन कौन पुरी परिक्रमा गया है, गौड़िया मठ, वहां पर गौड़िया मठ है, वो था घर, तो वहां पर वो रहते थे। तो बड़ा दंड के पास, बड़ा दंड मतलब जो मेन रोड है जहाँ से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का रथ यात्रा निकलते हैं, तो वही बड़ा दंड के लेफ्ट साइड में, जैसे रथ यात्रा निकल रहे हैं वैसे लेफ्ट साइड में उनके घर है, तो वहां पर पहले वो लोग रहते थे। और ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत शास्त्र का प्रणयन किया, उन्होंने वैष्णव भजन लिखे। हम लोग ज्यादातर जो भजन गाते हैं भक्ति विनोद ठाकुर का वैष्णव संघ में है, तो इन्होंने बहुत ऐसे क्रियाक्रम किए और नामहट्टा का सूचना किए। नामहट्टा जो हम गोद्रुम कल्पटभी वर्ग, उन्होंने एक शास्त्र का रचना किया गोद्रुम कल्पटभी, जो अभी हम देखा जाए तो परम पूज्य जयप्रताका महाराज ने उनका उनके उनको लिखे हुए हैं गोद्रुम कल्पटभी। मतलब उन्होंने नहीं लिखे, मतलब बेसिकली जो भक्ति विनोद ठाकुर ने दिए हैं वही उन्होंने लिखे हैं, और उसको कैसे हम लोग इसको अभी का नामहट्टा सिस्टम में अप्लाई करेंगे तो वो उन्होंने बताया है। तो ऐसे तरीके से हमारे अभी जो कम्युनिकेशन प्रीचिंग है वो चल रहा है इसके ऊपर आधार करके। और इवन प्रियम चेतन को ये भी बताया कि हमारे जो यूथ प्रीचिंग सिस्टम है ये भी मतलब 90-95% मैच करता है वो ये भक्ति विनोद ठाकुर के जो प्रीचिंग मॉड्यूल है गद्रुम कल्पटभी उसके साथ मैच करते हैं, हमारे यूथ प्रीचिंग का जो सिस्टम है मतलब एटलीस्ट 80-90% मैच करते हैं। तो ऐसे उन्होंने एक परिवर्तन लाने का सोचे कि इतने सारे अपसंप्रदाय हैं तो कैसे इसका ऑथेंटिसिटी हम लोग इसका कर पाए, किसका भक्तिपात का, क्योंकि अपसंप्रदाय इसको इतने डिग्रेडेड लेवल पे लेके गए थे भक्ति मार्ग को कि लोग सोचते थे ये लोग जो जो भिखारी हैं, भिखारी लोगों का कर्म है या हरे कृष्ण मंत्र जप का, लोग ऐसे सोचते थे ये कौन लोग करते हैं, जो लोग भिखारी लोग हैं, जो लोग कुछ क्रियाक्रम करने वाला नहीं है वो लोग करेंगे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर इन्होंने एस्टैब्लिश किए, पुनरुद्धार किए, लेकिन उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि वो अकेले कर रहे थे, तो उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना करते थे कि आपके कोई अंश को भेजो, आपकी कुछ कला को भेजो। और हम देखते हैं उनके पुत्र के रूप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आते हैं। तो ऐसे ऐसे जो परंपरा में मैं सुना हूं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जब जन्म होते हैं तो उस टाइम में जो एम्बेलिकल कॉर्ड होते हैं, एम्बेलिकल कॉर्ड उनके शरीर में ऐसे मतलब लगाया हुआ था, वो जो हम लोग जनोई धारण करते हैं, जनोई के जैसे ब्राह्मणिकल थ्रेड, तो वो जनोई के जैसे उसके शरीर में लपेटा हुआ था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो अभी हमारा चर्चा बेसिकली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऊपर होगा। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे करके उन्होंने आविर्भाव लिए, कहाँ पर, पुरी में उनका जन्म आविर्भाव हुआ 6 February 1874 उसी टाइम। तो उनका जब 6 महीना ऐसे बोला जा रहा है कि 6 महीना ऐसे उम्र था, तो वहां से रथ यात्रा निकल रहा था, रथ निकल रहे थे और रथ आके वो घर के सामने रुक गए। हम छह मंथ के थे, 6 मास के, तो उस समय रथ यात्रा हुआ पुरी में। तो उसके दौरान क्या हुआ, रथ यात्रा जब तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के घर से जब उतर जा रहा था तो वहीं पर रुक गया। तो फिर भगवती देवी और भक्ति विनोद ठाकुर आए दर्शन के लिए उनके साथ, उनको लेके, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे तो उनको मतलब ऑप्शन था, मतलब वो ये परमिशन था कि वो जाके जगन्नाथ जी का दर्शन कर सके, तो गए। तो जैसे ही वहां पर गए तो जगन्नाथ जी के एक माला गिर के डायरेक्ट जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे उनके गले में आ गया। तो ऐसे करके उनको पता चला कि ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और कोई नहीं है, ये राधा रानी नारायण, ये स्वयं भगवान ने भेजे हैं। जो भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना कर रहे थे ना कि आप रे ऑफ विष्णु ऐसे बोले थे, रे ऑफ विष्णु मैंने आपके अंश को भेजिए, हे विष्णु आपके अंश को भेजिए।
तो भक्ति विनोद ठाकुर का ये मतलब दृढ़ विश्वास हो गया, भगवान ने हमने प्रार्थना सुने और उन्होंने अपने अंश को हमको भेज दिया। वो कौन है? भक्ति संस्थापक। तो उनका पहले नाम था क्या? विमला प्रसाद। कैसे नाम हुआ? तो महाप्रसाद जो है, महाप्रसाद तो पहले जगन्नाथ देव का महाप्रसाद हमको नहीं, हमारे पास नहीं आते, वो पार्वती देवी के पास जाते हैं, विमला माता। और इनके जो अन्नप्राशन हुआ भक्ति संसार का अन्नप्राशन में, इसको वो विमला प्रसाद मतलब वो जगन्नाथ का प्रसाद खिलाया गया था, मतलब वो विमला देवी का प्रसाद दिया, प्रसाद मिला है, तो उससे उसको नाम पड़ा विमला प्रसाद। तो उनका पहला नाम था विमला प्रसाद। तो ऐसे करके वो पहले वो जब शिशु का जन्म होता है, बहुत सारे संस्कार होते हैं। तो एक ऐसा संस्कार है कि उसके सामने ग्रंथ रखा जाए, उसके सामने पैसा रखा जाए, कि शिशु वो भविष्य में जाकर क्या चुनेगा। तो उन्होंने भागवतम का चुनते हैं, उन्होंने भागवतम का चुनते हैं। फिर वैसे करके हम देखते हैं कि एक बार क्या हुआ, भगवान के भोग लगाने के लिए कुछ वो मैंगो बाजार से खरीदा गया था और वो खरीद के घर में रखा हुआ था। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर मतलब विमला प्रसाद ने वो मैंगो बिना पूछ के किसी को हरे कृष्ण मतलब महाप्रसाद कर लिए थे। बाद में भक्ति विनोद ठाकुर उनको समझाए कि देखिए बेटा, ये भगवान को ऑफर नहीं हुआ था, आप भगवान को बिना ऑफर करके आप उसको ले लिए। तो उन्होंने उनके बाद उन्होंने एक दृढ़ संकल्प ले ली। क्या था वो दृढ़ संकल्प? आम खावो ना आर कोनो दिन। तो जैसे मतलब उन्होंने जब आचार्य बने, उसके बाद उसको कई बार ऐसे मैंगो दिया गया, मैंगो मतलब परोसा गया कि भगवान का प्रसाद दीजिए। उन्होंने हर बार ये कहते हुए मना किए, आई एम द ऑफेंडर एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, हाउ आई कैन टेक दिस मैंगो। उन्होंने अपने जिंदगी में कभी भी उसका ग्रहण नहीं किया। तो ऐसे हमारे जिंदगी में हम लोग तो बहुत सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, मतलब जो करना नहीं चाहिए बहुत सारा कुछ ट्राई कर चुके हैं, और ट्राई करने के बाद हम लोग यहीं पर आए हैं, थक चुके हैं क्या? हाँ, तो जो लोग थक चुके हैं वो लोग तो अच्छा है, थक गया। लेकिन जो लोग अभी तक थक नहीं चुके हैं नहीं, तो वो लोग भी ये भक्ति संसार का जो मतलब मिसाल है, मतलब एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हमारे लाइफ में अपना के हम हमारे मन एवं इंद्रियों को संयत करना चाहिए। हम अगर हमारे मन और इंद्रियों को संयत नहीं करेंगे तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो आचार्य होते हैं, आचार्य अपने जिंदगी में इसका अनुसरण करके चर्चा कर मतलब शिक्षा देते हैं। आचार्य मतलब जो अपने जिंदगी में आचार करते हैं, जो शिक्षा देते हैं वो अपने जिंदगी में आचार करते हैं, आचार करके हम शिक्षा देते हैं। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु हम सबको क्या बोले हैं? जन्म सार्थक करो प्रभुगत। तो हम लोग पहले हमारा जो जिंदगी है वो सार्थक करना है, 16 माला जप और 4 नियम का पालन के साथ। और जब हम ये कर पाएंगे तब हम दूसरे का जीवन का सक्सेसफुल कर पाएंगे। दूसरे का जीवन कैसे सक्सेसफुल होगा? वो जब देखेगा कि हम हमारे जिंदगी में खुद ही उस चीज का आचरण कर रहे हैं। अगर कोई नहीं देखेगा तो वो हमको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम हमारे जिंदगी में ये 4 नियम एटलीस्ट, ये 4 नियम और भी बहुत सारे नियम है, मैं पढ़ रहा था भागवतम में 7th canto में, तो वहां पर बताया जा रहा था वो जो हमारे प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज अपने पिता के पूछने पे उन्होंने बताए थे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये श्लोक का उन्होंने जिगर किया। और उसमें पर्पट में प्रभुपद हर एक मतलब 9 अंक लेके इतना बड़ा पर्पट देते हैं। और उसमें एक है विग्रह सेवा, है ना, विग्रह सेवा में प्रभुपद मतलब वो नेक्टर ऑफ डिवोशन है, वहां से पूरी जैसे रूप गोस्वामी लिखे हैं कि ऐसा विग्रह सेवा में ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इतना सारा नहीं 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 है। मैं तो देख के समझ रहा हूँ कि अरे कितना सारा अपराध हम लोग कर बैठते हैं। विग्रह की तरह पीछे करके नहीं बैठना चाहिए, विग्रह के सामने किसी को डांटना नहीं होता है, विग्रह के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना होता है, ऐसे इतने सारे नाना नाना है। आप पढ़ेंगे आपका
दिमाग चकरा जाएगा। तो इसीलिए क्या है, हम लोग इतना अगर नहीं भी कर पाए, प्रभुपाद हमारे लिए सिंपल कर दिए कि चार नियम का हम लोग पालन करें और 16 माला जप करें। प्रभुपाद ये भी बोले हैं कि हमको बैक डोर से एंट्री दिलाएंगे, सामने डोर से एंट्री तो मिलने के लायक हम लोग है नहीं, तो बैक डोर से हम लोग एंट्री मिलेगा, लेकिन एंट्री जरूर मिलेगा अगर ये चीज हम लोग हमारे जीवन के अंत तक कर पाए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो पढ़ाई में बहुत मतलब बहुत तेज थे, वो एक बार सुनते थे याद कर लेता था, उनके टीचर परेशान हो जाते थे बच्चा इतना कैसे मतलब याद कर लेते हैं। उन्होंने ऐसे कहावत है उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर की मतलब उनको वो उनके पिताजी को बहुत सम्मान करते थे और भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत सारे सॉन्ग लिखे हुए, तो उन्होंने अपने स्कूल में वो भक्ति विनोद ठाकुर के सॉन्ग लेके जाते थे और पढ़ते थे, और टीचर पढ़ा रहा होता था तो टीचर ने उनको देख वो तो दूसरी काम कर रहे हैं मतलब उसका ध्यान टीचर की तरफ नहीं है, तो टीचर ने उसको खड़ा कर देते थे, बोलो उसको खड़ा करके पूछते थे, क्या पूछते थे बोलो मैं क्या पढ़ाया अभी, और उनका इतना तेज दिमाग था उन्होंने बता देता था क्या पढ़ा मतलब उसी टाइम क्या पढ़ाया जा रहा था, और खाली यही भी नहीं वो कैसे कैसे आंसर देते थे, वो ऐसे जैसे मान लीजिए मैं अभी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बोल रहा हूँ कि उनका नाम पड़ा बिमला प्रसाद, मैं खाली वो रीजन नहीं बोल के मान लीजिए मैं बिमला प्रसाद नाम बोल के निकल गया, फिर वो ऐसे करके बोलते थे तो उसका नाम क्यों बिमला प्रसाद पड़ा वो भी आंसर वो खुद देते थे, जो शिक्षक ने पढ़ाया नहीं अभी तक पढ़ाएंगे वो भी आंसर देते थे, जो पढ़ाए हैं वो भी आंसर देते थे, जो पढ़ा रहे हैं वो भी बता देते थे, और जो पढ़ाएंगे वो भी बता देते थे। तो इतना मेरिटोरियस स्टूडेंट थे उन्होंने क्लास में, तो फिर उन्होंने पूछते थे, ऐसा नहीं कि वो टीचर का अवहेलन करते थे, हम होते थे बोलते थे अरे देव हम कितने बड़े हैं ना सब पढ़ के आए, टीचर को एकदम बेवकूफ बना दिए, फिर वो टीचर को पूछते थे कैन आई कंटिन्यू माई स्टडी, तो टीचर उस समय बोलते थे अरे हाँ टीचर तुम कर रहा वो अपना स्टडी फिर कंटिन्यू करता था, वो अपना जो भक्ति विनोद ठाकुर का जो ये टीचिंग से पढ़ते थे। तो ऐसे बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट थे, और वो सूर्य सिद्धांत ऐसे बहुत सारे ग्रंथ का उन्होंने रचना की थी। तो एक बार क्या हुआ, एक बार ऐसे कहीं पर एक मीटिंग बुलाया गया था, वो मीटिंग क्या था कि वैष्णव बड़े हैं या ब्राह्मण बड़े हैं, और उस मीटिंग में किसको बुलाया गया, भक्ति विनोद ठाकुर, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर का तबीयत अच्छा नहीं होने के कारण उन्होंने आ नहीं पाए। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने रिक्वेस्ट किया क्या मैं जा सकता हूँ, देखिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत विद्वान थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने विद्या का बहुत जाहिर करते थे, उन्होंने हमेशा सब काम जैसे टीचर के साथ अपने पिताजी के साथ बहुत ह्यूमिलिटी से उन्होंने करते थे। उन्होंने पूछे कि क्या मैं जा सकता हूँ, तो भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत विश्वास थे उनके बिमला प्रसाद के ऊपर, उन्होंने बोले ठीक है आप जा सकते हैं, और बिमला प्रसाद को भेजा गया। बिमला प्रसाद उन्होंने गए, 3 दिन का प्रोग्राम था, पहले दिन उन्होंने ब्राह्मण कैसे बड़े हैं उनके बहुत ग्लोरीज बताए कि ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जय जगदित्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद गोविंद किसमें खुशी होते हैं, जहां पर ब्राह्मण और गाभियों का सम्मान किया जा रहा, आदर किया जा रहा, तो ऐसे करके उन्होंने ब्राह्मण का बहुत बड़ाई की पहला दिन, और ब्राह्मण लोग बहुत खुश हो गए और उन्होंने तालियां बजाए ऐसे करके। फिर नेक्स्ट दिन उन्होंने वैष्णव लोग कैसे बड़े हैं, ब्राह्मण को टच नहीं किए, वैष्णव लोग का कैसे गुण महिमा है उसके बारे में उन्होंने बताते हैं, जैसे देवाधिदेव शिव ने माँ दुर्गा को बताते हैं, पार्वती देवी को बताते हैं कि आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम, फिर उसके बाद क्या श्लोक आता है, तस्मात परधरम देवी तदीय नाम समार्चना, तो जितने सारे आराधना है उसमें सर्वश्रेष्ठ आराधना है विष्णु जी का आराधना, और उससे भी श्रेष्ठ क्या है कि तदीय नाम समार्चना, तो उनके जो अनुजाई है मतलब विष्णु के अनुजाई का क्या है मतलब भक्त का अगर आराधना किया जाए वो उनसे भी बड़े हुए, ये स्वयं कौन बता रहे हैं, देवाधिदेव शिव बता रहे। तो ऐसे करके उन्होंने वैष्णव का बहुत गुणों महिमा कीर्तन किया,
ये सेकंड दिन चला गया, सेकंड दिन लोग वैष्णव लोग बहुत खुश हो गए। थर्ड डे उन्होंने क्या किया, वैष्णव लोग कैसे ब्राह्मण से सुपीरियर, ब्राह्मण लोग से सुपीरियर है उनका उन्होंने व्याख्यान किया। और तब सब थर्ड दिन का जब डिस्कोर्स खत्म हुआ, वो मतलब हजारों के संख्या में भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गया और सब लोग वहां पर, ऐसे बोला जा रहा है कि वहां पर मतलब एकदम भीड़ लग गया, क्या चीज के लिए, सब उनके चरणामृत पीने के लिए। इतना उनके बातों में वो लोग प्रभावित हो गए, उनके चरणामृत पीने के लिए वो लोग वहां पर टूट पड़े, एक दूसरे को कैसे लांग के जा सकते हैं। फिर वहां पर सिक्योरिटी लाया गया, सिक्योरिटी से उसको ये करके पानी लाया गया, पानी से उनका पैर धुलाया गया, सबको एक बूथ करके दिया गया, ऐसे चरणामृत दिया गया सबको, ठीक है। तो ऐसे करके सबको वहां पर ये जो भक्ति संस्था का चरणामृत मिला। जब उनके 7 साल की उम्र थे, वो लोग पूरी से शिफ्ट हो गए थे कलकत्ता। कलकत्ता में एक है वहां पर देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर का घर है। कौन कौन गए हैं यहाँ पर से, भक्ति विनोद ठाकुर का घर है। और वो जो घर है, घर को खुदाई जब कर किया जा रहा था, मतलब वो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, भीत गांधने के लिए जब खुदाई किया जा रहा था, तो खुदाई करते करते कुर्म भगवान का जो कुर्म रूप है, कुर्म रूप मिला। और भक्ति विनोद ठाकुर ने कुर्म रूप विमला प्रसाद को दिए और बोले कि आप ये कुर्म रूप का वर्शिप करो। और उसको ये बताया कि कुर्म जो है वो हमारे धीर स्थिर माइंड का रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका माइंड जो है, यद्यपि उसके माइंड कभी चंचल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एक कुर्म शिला का उपासना किया और बताया कि एक कुर्म शिला का उपासना करने से हमारा जो मन है, जो प्रकृति वक्त हमारे शत्रु है ना, हम लोग भगवत गीता में पढ़ते हैं मन हमारे शत्रु, तो मन हमारे शत्रु से बंधु हो जाएगा। भगवान का जो कुर्म बता रहे हैं उसका उपासना करते। फिर ऐसे करके हम भक्ति संसार का बहुत लीला है, हम बहुत सारे डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, पता नहीं कितना टाइम हुआ, 527 और ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। तो ऐसे करके उन्होंने उनका जो मतलब मेटीरियल एडुकेशन बहुत बढ़ते चला जा रहा है। और ऐसे करके एक राजा थे, मैं राजा का नाम भूल जा रहा था, वो राजा उनको उनके राजगुरु के पद पे नियुक्त किया, राजगुरु के पद पे, हाँ, भक्ति संसार को राजगुरु के पद पे नियुक्त किया गया उनको। फिर उन्होंने मतलब अपने स्वइच्छा से वो जो ये था राजा का जो ये था पोस्ट था, वो छोड़ के आ गए, क्योंकि उन्होंने देखे कि हम भगवान का ज्यादा से ज्यादा मन लगा के भजना नहीं कर पा रहे। और उन्होंने आके फिर भक्ति विनोद ठाकुर से उन्होंने इनिशिएशन दीक्षा लेने के लिए मांग की। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको बताया कि देखिए, मैं तो दीक्षा दे सकता हूं आपको, लेकिन सबसे अच्छा होगा आप गौर किशोर दास बाबाजी महाराज से दीक्षा लीजिए। और वहां पर देखते हैं कि उन्होंने गौर किशोर दास बाबाजी महाराज के पास जाते हैं दीक्षा के लिए, और गौर किशोर दास बाबाजी महाराज बोलते हैं कि अरे, आप तो बहुत पंडित व्यक्ति हैं और हम तो अंगूठा छाप हैं। मतलब उन्होंने कभी स्कूल नहीं गए हैं गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, लेकिन वो भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान के शुद्ध भक्त है। तो वो ऐसे करके उसको नकार दिए, उसको बोले कि ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं चैतन्य महाप्रभु को पूछ के देखूंगा, उसको फिरा दिए, उन्होंने वापस चले आए। फिर नेक्स्ट टाइम गए, पूछे, बोले आप पूछे चैतन्य महाप्रभु को, बोले हम पूछना भूल गए, फिर नेक्स्ट टाइम आओ। ऐसे करके दो तीन बार भेंट होने के बाद उन्होंने बताया कि मैं भूल गया, मैं फिर उन्होंने भागते थे, गौर किशोर दास बाबाजी महाराज भाग के कहीं पर छुप जाते थे। जब उसको पूछा जाता था कि क्यों भागते हो, बोले ये भक्तिनाथ सरेश्वर को मेरे पीछे पड़े हुए हैं मेरे से दीक्षा लेना, और मैं उतना यज्ञ नहीं है दीक्षा देने के लिए। तो ऐसे 17 बार उनको रिजेक्ट किया गया। और जब ऐसे 17 बार उनको रिजेक्ट किया गया, उन्होंने सोचे कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, हमारे जीवन में सार्थक नहीं हो पाएगा अगर हम हरिनाम महामंत्र के या इस परंपरा में दीक्षा नहीं लाभ कर सकते हैं। और ये सोच के उन्होंने ठान ली कि इस बार अगर हमको
गुरु का कृपा नहीं मिला। जैसे इस घटना हम लोग और कहीं पर देखते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने एक साल मतलब एक साल मतलब 365 डेज उन्होंने अपने गुरु गुरु कौन है नरोत्तम दास ठाकुर का लोकनाथ गोस्वामी की उनकी सेवा की। तो यहाँ पर भी 17 बार उन्हें ठान ली इस बार कि हम गंगा में कूद के अपना जीवन का एंड कर दूंगा। तो ऐसे उनका यह हो गया। फिर उनका जो सिंसियरिटी देखते हुए गौरकिशोरदास जी महाराज उनको शिष्य के रूप से स्वीकारे, और गौरकिशोरदास जी महाराज का एक ही शिष्य थे, वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और कोई शिष्य उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत जन उनके शिष्य होने के लिए आए हैं अभी, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और उन्होंने कई बार तो ऐसे भी है, उनको जब बोला जाता था कि आप हमारे घर में आके रहिए, क्योंकि गौरकिशोर दास जी महाराज यद्यपि बहुत पंडित व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उसका जो मतलब उसका जो ऑस्ट्रिटी, उसका जो ध्यान साधना था, उससे उसका नाम बहुत फैला हुआ था। बहुत जन उसको अपने घर में ले जाने के लिए वो सोचते थे। बहुत जन होता है ना कि हमारे जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, डोंट मेक गुरु ऐसा सो क्या सो सो गुरु का सो के हिसाब से ग्रहण मत करो कि हमारा भी गुरु है, लेकिन हम गुरु का कुछ आदेश का पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे उन्होंने गुरु का ग्रहण करना माना करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं गौरकिशोरदास जी महाराज उन्होंने वो जो बाथरूम है, बाथरूम में ज्यादा टाइम बिताते थे। हम लोग बाथरूम में दूसरी कारण से शायद बिताते होंगे, लेकिन उन्होंने बाथरूम में क्यों बिताते थे, क्योंकि वहां पर कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा और वहां पर वो अपने साधना कर सकते थे। ये उनकी ऊंची चेतना था, उनकी उच्च चेतना था कि वहां पर कहीं डिस्टर्ब नहीं करने आएगा ऐसे, क्योंकि बहुत कोई आके डिस्टर्ब करते थे कि गुरुदेव गुरुदेव अब हमको दीक्षा दीजिए। हर आधा घंटा एक घंटा में कोई ना कोई आके उसके पर आशीर्वाद दीजिए, है ना, हमारे बेटा हो जाए, हमारे बेटी हो जाए, हमारे बेटी का बेटा का शादी हो जाए, जब लग जाए, कोई ना कोई हर एक घंटा एक घंटा में दो घंटा में आके उससे पूछते थे। तो ऐसे उन्होंने टाइम बिता देते। तो जब गौरकिशोरदास जी महाराज अप्रकट लीला में प्रवेश किए, तो गौरकिशोरदास महाराज का एक अंतिम इच्छा था, किसी को पता है अंतिम इच्छा क्या है, क्या था? हमारे पाद धरे श्रवण नवद्वीपे घोड़ाबे। हाँ, तो हमारे कृष्ण प्रेम प्रभु एकदम पूरे चैतन्य पार्षद को अपने अपने हृदय में रखे हुए, जय कृष्ण प्रेम प्रभु के। तो ऐसे ही उनके उनके ये था डिजायर कि हमारे अप्रकट लीला के बाद हमारे पैर को रस्सी में बांट के बांध के पूरी नवद्वीप इस एरिया में घसीटते हुए लाया जाए, घसीटते हुए। तो वहां का जब तत्कालीन बाबा जी सब ये सब लोग थे, वो लोग दौड़ते हुए आ गए रस्सी वस्सी लेके और बांधना स्टार्ट किया कि इनका लेस अंतिम इच्छा को पूर्ण करना है, और भक्ति श्याम को पहुंच गए। और भक्ति को सब लोग डरते थे, पंडित व्यक्ति थे, है ना, शास्त्र का बहुत ज्ञान था। फिर उन्होंने एकदम चैलेंज किया वहां पर कि आप लोग से कौन है जो एक महीना ये चार नियम के स्पेशली कौन सी नियम अवैध संग नहीं किए हैं, बताइए एक महीना कौन नहीं किया है अवैध संग। तत्कालीन बाबा जी लोग, जो लोग बाबा जी वाला मतलब ड्रेस पहन के रहते थे, ठीक है, तो कोई सामने नहीं आया। फिर उन्होंने वो ड्यूरेशन घटा दिया कि एक हफ्ता से 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन कौन कहीं नहीं किया, उसमें भी कोई नहीं आया। तब उन्होंने बोले कि हमारा जब योग्यता नहीं है तो हम ये जो शुद्ध भक्त है इसको हम क्यों कैसे इसको इसका मनोभाव को समझ सकते हैं, हम खुद हमारे जिंदगी में ये छोटा सा डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हमें शुद्ध भक्त के जो इच्छा का जो गुण अर्थ है, जो अंतर्निहित अर्थ है, उसका हम कैसे समझ पाएंगे। इनका अर्थ ये नहीं है कि हम उसका घसीटते लेके जाए, ये उनके साधना के चरम सीमा में है, उनके ह्यूमिलिटी दैनता का पूर्ण प्रकाश है, लेकिन हम उसको लिटरेरी सेंस में नहीं लेना चाहिए। फिर वो सबको भगा दिया वहां से भक्ति सरस्वती ठाकुर, और हम देखे गौरकिशोरदास जी महाराज का वहां पर
समाधि जहाँ पर हम लोग एक वाला जप किया, वहां पर गर्ग सिद्धार्थ महाराज का समाधि दिया गया। तो ऐसे ऐसे सहजिया से भर गया था, जैसे मैं बोल रहा था ना सहजिया से, मतलब नाम कमाने के लिए। जो प्रभुपद ना किसका है वो भजन है कि निर्जन घरे ओ मंत भी किसेर वैष्णव, कौन लिखा है भक्ति विनोद ओ मंत भी किसेर वैष्णव, मैंने प्रतिष्ठा तर निर्जन घरे, मैंने वो प्रतिष्ठा पाने के लिए वो अकेला बैठ के भजन साधन कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बाबा जी सब आ गए थे, तो ऐसे अपर संप्रदाय सब बहुत सारे ऐसे ऐसे उस टाइम में आ गया था। तो ऐसे भक्ति संजय ठाकुर उन्होंने वो जब गुरुदेव से दीक्षा मिला या उनके गुरुदेव का प्रकट होने के बाद उन्होंने उन्होंने एक्चुअली मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, मतलब अप्रकट होने के बाद यहाँ आ गए उन्होंने, वो जो भजन स्थली हम लोग देख के आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भजन कुटीर, वहां पर उन्होंने ठान लिया कि 1 बिलियन नेम्स, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं ऐसा कुछ ठान लिए थे 1 बिलियन नेम्स करने के लिए, एक कोटि नेम, एक कोटि नाम उठ, वन करोड़ ये उठ करने के लिए उन्होंने ठान ली थी। और उन्होंने कैसे करते थे, उन्होंने पूरी दिन क्या खाते थे पता है, उनका एक सर्वेंट थे, सर्वेंट उनके सामने भगवान के प्रसाद लेके आते थे और उन्होंने दोनों हाथ को पीछे रखते थे, ऐसे पीछे रख के एक ग्रास में जितना उठता था गो ग्रास हाँ, एक ग्रास में जितना उठता था उतना ही प्रसाद उन्होंने ग्रहण करते थे और अपना जप करते थे। ऐसे करके कंटिन्यूअस उन्होंने कितना दिन वन मंथ एक महीना तक उन्होंने किए। फिर उसके बाद ऐसे कहा जाता है कि स्वयं पंचतत्व उनके पास आ गए, पंचतत्व उनके पास आ गए, आके बोले कि आपने बहुत साधना कर ली, अभी ये साधना के फल स्वरूप आपने ये जो जीवात्मा है उनके उद्धार करने के लिए आप निकलिए, आप साधना करेंगे आप तो ऐसे ही सिद्ध हैं। पता है ये कौन, एक मंजरी है भक्ति मंजरी, कौन मंजरी है, नयन मंजरी, भक्ति विनोद ठाकुर कौन मंजरी है, कमल मंजरी है। तो इन्होंने मंजरी है इधर ऐसे ही इनका शरीर जो सिद्ध शरीर है, तो उनको बोले कि आप प्रचार करो। और उन्होंने पहला सेंटर कहाँ बनाया कौन बताएगा, कोलकाता में कहाँ पर, उल्टाडांगा जंक्शन रोड, जहाँ पर अभी इस्कॉन के पास आया है। और वो क्यों विख्यात है, वहां पर दो कारण से विख्यात है। पहला तो वहां पर पहला वो भक्ति विनोद आसन बनाया गया, उनका नाम पड़ा था भक्ति विनोद आसन। और दूसरी किस चीज के लिए वो विख्यात है, ये सबको बोलना चाहिए था एक साथ कि वहां पर दोनों का भेंट हुआ, वो ऐतिहासिक भेंट था, कौन दोनों का, गुरु और शिष्य भक्ति सेवा सभी ठाकुर और श्री अभयचंद भक्तिमान स्वामी श्रील प्रभुपाद की भेंट हुआ। और वहीं पर वो बीज को रोपा गया था श्रील प्रभुपाद के हृदय में, ये कृष्ण भावनामृत का बीज को रोपा गया था, जो ब्रिज आज ब्रिक्स के रूप में पूरी पृथ्वी में इस्कॉन के नाम पे परिचित है। श्रील प्रभुपाद के अंतर्जात श्री कृष्ण भावनामृत संघ के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। तो ऐसे करके वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये बीज को रोपा गया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बहुत मतलब तगड़ा प्रचार करते थे, बहुत मतलब उसको सिंह गुरु बोला जाता था, लायन गुरु। और उनको ऐसे उनके गुरु महाराज कौन हुए भक्ति सिद्धांत ठाकुर के, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उनको बताते थे कि तुम जो है तीन चीज का पालन करो। वो तीन चीज क्या क्या था, कभी कलकत्ता मत जाओ, कभी कलकत्ता मत जाओ। तो बाहरी दृष्टिकोण से लग सकते हैं कि उन्होंने अपने गुरु का आज्ञा का अवहेलना की। फिर वो क्या इसका मीनिंग बताते हैं कि मैं कलकत्ता कभी गया ही नहीं क्योंकि वो हमेशा भक्त के संग में तो थे ही, और जहां पर जाते थे वहां पर वैकुंठ हो जाता था। तो ऐसे वो जहां पर जाते थे वैकुंठ वाला ऐसे वातावरण बना लेते, जैसे वो क्या परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बताए,
हमारे एक भक्त ने प्रश्न किए कि हमारा पोस्टिंग अगर लग जाए जहाँ पर भक्त नहीं है तो हम क्या करें, माया के नगरी में जाके कैसे हम बचे। तो वहां पर अपनी भक्त बना और प्रचार करो, भक्त बना। तो ऐसे उनके तीन इंस्ट्रक्शन थे, उसमें एक इंस्ट्रक्शन ये था और दो इंस्ट्रक्शन मेरे को उनको बोले थे कि हाँ कभी शिष्य मत सिखाओ, कभी मतलब अपना दीक्षा मत दो। तो उन्होंने दीक्षा देते थे तो कैसे इनका पालन मतलब ये किया, तो पूरी उल्टी हो गया। उन्होंने ये सोचते थे ये मैं जो हूँ हमारे गुरु महाराज के दास है। हमारे गुरु महाराज कौन है? गौरकिशोर साहब जी महाराज। तो ये जो है ये गौरकिशोर साहब जी महाराज के शिष्य हुए। गौरकिशोर साहब जी महाराज नहीं है इसलिए उनके बिहाफ में मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। किन से? गौरकिशोर साहब जी महाराज के। तो ऐसे उनके और एक इंस्ट्रक्शन थे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, वो भी ऐसे विपरीत होता है, मतलब जो इंस्ट्रक्शन मिला उससे विपरीत होता है। और खाली ये भी नहीं है, उन्होंने भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने उनको कोई सन्यास दीक्षा नहीं दिया था। ये जो सन्यास वस्त्र उन्होंने धारण की ये कोई उनको दिया नहीं था, या गौरकिशोर साहब जी महाराज या कोई दे नहीं दिया था। जैसे हमारे इस्कॉन में अभी होता है कि अपना गुरु अगर अप्रकट हो गया तो गुरु भाई दे सकते हैं आपको सन्यास दीक्षा। उन्होंने स्वयं अपने गौरकिशोर साहब जी महाराज के जो चित्रपट है उसके सामने सन्यास ली और उन्होंने प्रचार की। और उनको कई बार पूछा गया कि आपने ऐसे प्रचार क्यों करते हैं, अपने गुरु तो अपने जो गुरु है उन्होंने प्रचार नहीं किया, उन्होंने बाबा जी का जो कर्तव्य है उसको निभाया, तो आपने प्रचार क्यों करते हैं? आप तो गुरु जी का जो मार्ग है वो मार्ग को नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने बोले देखिए हमारे प्रचार में हमारे वो भजन साधन में इतना मन नहीं लगता, इसीलिए हमारे गुरु के निर्देश से मैं ये पतित जीवात्मा को मैं उद्धार के जो मतलब जो कर्म काम है उसमें मैं खुद को लगाया हूँ। और हमारे गुरुदेव जो है ये हमारे शक्ति से नहीं हो रहा है, ये हमारे गुरुदेव ने जो साधना किए हैं उसके शक्ति से हो रहा है। तो ऐसे में उन्होंने कभी अपना क्रेडिट नहीं ली अपने जिंदगी में। देखा जाए उन्होंने बहुत सिंपल थे, कई बार क्या होता था कई बार कोई आके अगर उससे मिलना चाहता था, जब उन्होंने 64 गौड़िया मठ का प्रतिष्ठा की, उन्होंने प्रचार करके 64 गौड़िया मठ का प्रतिष्ठा की है ना, 64 गौड़िया मठ। तो वो बहुत बहुत ही मतलब ऐसे बोला जाता था, बहुत मतलब इंडिया में उसका बहुत ही नाम था। तो उनसे कई भी ऐसे मीट करने के लिए आते थे, और जब उसे कोई मीट करने के लिए आते थे तो पहले वो कोई पर्सनल सर्वेंट होता है ना, पीए के पास जाके पहले परमिशन लेना पड़ता है। तो पीए के पास लोग बोलते थे कि मैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मीट करना चाहता हूँ, है ना। और उसको पूछा जाता था कि एक कहानी किसको पता है, उन्होंने परंपरा का जो ये मतलब सूत्र है इसको आगे बढ़ाते हैं। कोई अगर बोलता था मैं भगवान का दास हूँ, वो बोलते थे हमारे पास एक्चुअली बहुत समय बहुत कम है। और कोई बोलते थे हम भगवान के दास हुए, तो बोलते थे हमारे पूरे जिंदगी आपके सेवा में है, पूरे लाइफ आपके सेवा में। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत ह्यूमिलिटी के साथ उन्होंने सब कुछ करते थे। एक बार कोई सन्यासी लोग जो लोग डोनेशन कलेक्ट करते हैं ना, डोनर कलेक्शन डिपार्टमेंट जैसे हमारे मंदिर का है, तो ऐसे डोनर कलेक्शन डिपार्टमेंट था यहाँ पर भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में, क्योंकि मठ का चलाना होता है तो बहुत सारे क्रियाकर्म में लक्ष्मी का जरूरत होता था। तो ऐसे जो लोग डोनर मतलब डोनर से पैसा लेके आता था वो लोग अपने को बहुत चौधरी मानता था, है ना, मतलब अपने को बहुत बड़ा मानता था, अपने को बहुत बड़ा मानता था, और दूसरी को इतना ये नहीं करता, अरे हम लोग पैसा ला रहे हैं इसीलिए सब ये मठ बात सबका चल रहा है। ये लोग सोचते थे कि हम उपकार कर रहे हैं। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास जब ये मैसेज पहुंचा, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कंप्लीटली मना कर दिए कि एक हफ्ता कोई ऐसे नहीं जाएगा डोनर कल्टीवेशन में, और हम जाएंगे। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक दिन गए और इतना डोनेशन कलेक्ट करके लाए कि पूरी एक हफ्ता किसी को जाना नहीं पड़ा, तब सब लोग हम्बल हो गए
कि नहीं वो हमारे हम जा रहे हैं इसलिए हमको डोनेशन मिल रहे हैं, ऐसा नहीं, भगवान के कृपा से आ रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। और भक्ति सर को बहुत ये थे, बहुत मतलब उन्होंने सिंह गुरु बोला था। एक बार ऐसे कोई मिलके दोनों मिलके बात कर रहे थे क्लास में, बैठ के बात कर रहे थे, बात नहीं एक्चुअली वो जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर प्रभुपाद जी के तरफ कुछ बोलने के लिए जा रहे थे, प्रभुपाद सुनने के लिए ऐसे घूमे और तब क्लास चल रहा था। और तुरंत उसी समय उन्होंने वो प्रभुपाद को डांटे, वहां पर प्रभुपाद को डांट के बोले क्या तुम बहुत सब कुछ समझ गए और तुमको सब कुछ समझ गया, तुम बड़े हो गए, बहुत भागवत बन गए, ऐसे करके उसको डांटे। और जो डॉक्टर थे उसको बोले क्या तुमको लगता है कि तुम जो पैसे हर महीने हमारे ये आश्रम में या इस संस्था में देते हो उसके लिए हमको खरीद लिए है कि आप आके कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर बैठ के, ऐसे उन्होंने बहुत कठोर थे। तो एक साइड से देखा जाए जैसे हम बोलते हैं कि वैष्णव जो होते हैं बज्राधोपी कठोरम कुसुमाधोपी कोमलम, जो चैतन्य महाप्रभु भी अपने भावधारा में अपने जीवन में दिखाए, ऐसे भक्ति ठाकुर में बहुत कठोर से कठोर थे और कोमल से भी कोमल थे। ऐसे कहा होता था कि उन्होंने जब बंगाल से अपने भक्त लोगों को लेके पुरी जाते थे तो वो पुरी का जगन्नाथ एक्सप्रेस रात का जर्नी था, रात में मतलब वो ट्रेन खुलता था, तो ऐसे ट्रेन में चलते चलते ट्रेन जहां पर रुकता था स्टेशन पे, और हर एक स्टेशन में भक्तिदास स्वामी ठाकुर का डिसाइपल्स था, हर एक स्टेशन में कोई ना कोई डिसाइपल था ही, ऐसा 3, 4, 5, 6, 7, 8 कभी 10, 12 ऐसे डिसाइपल था। वो लोग वेट करते थे कब ट्रेन आएगा, उन लोगों के पास खबर पहुंच जाता था कि गुरु महाराज जा रहे इस रूट से, वो लोग रात 1 बजे, 2 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे ट्रेन पहुंचता था 6 बजे पूरी धाम में, सब पूरी रात वो वेट करता था स्टेशन पे। और हर एक स्टेशन में जब आता था भक्ति स्वामी ठाकुर वहां पर उतर के क्लास देते थे, रात 10 बज रहा है, 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, हर एक स्टेशन में जाके क्लास हो रहा है। और जो ड्राइवर थे वो ड्राइवर भी वो सुनने के लिए आ रहा था और ऐसे बोला था कि वो ट्रेन जब एक दिन में पहुंचने वाला था वो 3 दिन में पहुंचता था। तो वो ऐसे जबरदस्त प्रचारक थे कि एकदम लोग झूठ के हिसाब से वहां पर एकत्रित होते थे, जो उनके शिष्य हुए जो उनके शिष्य नहीं हुए सब एक झूठ पे वहां पर एकत्रित होते थे। तो इसलिए उसको ऐसा नहीं कि वो मतलब बहुत सबको प्यार से बोलते थे, नहीं वो सीमा गुरु थे, एकदम काट के रख देता था। एक बार वो हमारे हमको सबको पता है ना वो सुभाष चंद्र नेताजी सुभाष चंद्र उनके पास आते हैं उनसे ये को मांगने के लिए और बहुत आसानी से उन्होंने उनको मना कर देते। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर हम देख सकते हैं कि वो अपने जिंदगी में जुड़े बोलो ना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर हमारे जिंदगी वो अपने जिंदगी में इस चीज का बहुत उन्होंने चर्चा बहुत अपने जिंदगी में पालन की और हमको ये शिक्षा दी। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर का कुछ लास्ट इंस्ट्रक्शन है, अंतिम शिक्षा है अपने अप्रकट लीला का प्रवेश करने के पहले अपने शिष्यों को कुछ शिक्षाएं दी और उसके शिक्षाओं में जो कॉमन है वो क्या है कोई बता सकते हैं? अपने मन और इंद्रिय का नियंत्रण का तब आप भक्ति के पथ पे आगे जा सकते हैं। तो ये कौन लोग बता रहे हैं? ये नयना मंजरी वो गोलोक वृंदावन धाम के मंजरी है। मंजरी कौन है पता है? हाँ, ये जो सखीस होते हैं ये सखीस के जो असिस्टेंट हुए और ये असिस्टेंट इन लोगों का उम्र ज्यादा नहीं होता था, 8 साल की उम्र के वो लोग होते थे मंजरीस। वो लोग 8 से 7, 8, 9 साल के होते थे मंजरीस, 7, 8, 9 साल के। तो वो लोग का मतलब अबाध विचरण था, है ना, जहां पर दूसरी सखी का आना बंद था लेकिन वो लोग अबाध मतलब विचरण था मंजरी। वो लोग सखियों को असिस्ट करते थे राधा कृष्ण के जो प्रेम लीला है उसमें संपादन करने के लिए
सखियों को असिस्ट करते थे। तो जहां पर हमारे जाने का मकसद है गोलोक वृंदावन, हमारा डेस्टिनेशन क्या है? गोलोक वृंदावन। तो गोलोक वृंदावन में कैसे पहुंचेंगे, वहां का आदब कायदा क्या है, रीति रिवाज क्या है, व्यवहार क्या है, क्या करने से आप वहां पर जाके आपको मतलब आप अच्छा से व्यवहार कर सकते हैं, मतलब आपको वहां से फिर धकेल के मेटेरियल वर्ल्ड में नहीं भेजा जाएगा। तो वहां का जो भाव है वो क्या है, कौन सी भाव है? एक्चुअली मैं ये अनंगा महानप्रभु से सुन रहा था, अनंगा महानप्रभु बता रहे थे ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, हरे कृष्ण महामंत्र तो ये शास्त्र में है और हर एक कलियुग में ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो आए उनकी ये पृथ्वी के पृथ्वीवासी के प्रति उनकी अवदान क्या है वो पता है किसी को? मैं पहले सोचता था वरना हमारे प्रति चैतन्य महाप्रभु का अवदान क्या है, हरिबोल, मतलब उनके कंट्रीब्यूशन व्हाट चैतन्य महाप्रभु हैज गिवन अस। हम लोग बोलते हैं ना कि उन्होंने हरि नाम, तो वो पहले से शास्त्र में है और एक कलियुग का ये है। और चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं, तो बाकी समय चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं, वो युगावतार, कोई भी युगावतार आते हैं, हम उसमें डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो युगावतार आके ये हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्पेशल क्या दिए हमको, गोलोका, वो एक्सेस टू गोलोका क्या है, गोपी भरतुर पद कमल दास दास दासन उजार, मतलब वहां का जो भाव है कैसे वहां पर सेवा करना है उसके भाव का हम लोग को दिए। इसीलिए बोलते हैं कि वैधि साधना भक्ति से हम लोग कभी वैकुंठ तक, हम लोग वैकुंठ तक प्राप्त कर सकते हैं लेकिन गोलोक वृंदावन तक नहीं जा सकते। लेकिन जब हम लोग चैतन्य महाप्रभु के दिखाए हुए पथ में हम लोग आगे निकलेंगे, हम लोग वैकुंठ छोड़ के भी कहां पहुंच सकते हैं, गोलोक वृंदावन पहुंच सकते हैं। और ये जो मंजरी से सखिया है ये सब आ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के इसी लाइन पे, और वो लोग हमको सिखा रहे हैं वहां के रीति रिवाज क्या है। वहां का रीति रिवाज जो है कि किसी के अनुगत्य में रह के सेवा करना, जो आज सुबह हम लोग सुन रहे थे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बता रहे थे, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज उनके जितने सारे एक्सपीरियंस है आज हमको ऐसा लगा कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का एक निचोड़ हमको दे दिया है कि नहीं, पूरी उनके लाइफ के जो निचोड़ है अगर वो निचोड़ निकाला जाए वो निष्कर्ष हमको दे दिया। तो उसमें महाराज एक चीज बता रहे थे कि हमारे हमको भक्ति कैसे करना है, भक्ति हम लोग को टू सीरियसली भी नहीं लेना है, उन्होंने बताया कि ज्यादा सीरियसली ले लेंगे तो क्या है हम लोग भाग जाएंगे, क्योंकि ज्यादा सीरियसली ले लिया तो वो 64 माला स्टार्ट कर दिया है ना, 64 माला स्टार्ट कर दिया फिर 3 दिन के बाद उसको दिखाई नहीं दिया, ऐसा हो सकता है। तो ज्यादा सीरियस इसको पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है, महाराज ने बताया पार्ट ऑफ लाइफ। और ये कैसे करना है, किसी के अनुगत्य में रह के, हमारे जो सुपीरियर अथॉरिटीज, फैसिलिटेटर्स, काउंसिलर्स, जो सिस्टम है इसी सिस्टम के अंदर रह के करेंगे। महाराज ने एक श्लोक बोले, क्या श्लोक था ये अनुगत्य वाला श्लोक, आश्रय कोरिया भजे कृष्ण तारे नहीं तेज। तो ये जो यही चीज एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु देने के लिए हम आए थे। हरे कृष्ण महामंत्र तो हर एक कलियुग में दिया जाता है, हर एक कलियुग में हरे कृष्ण महामंत्र दिया जाता है, लेकिन ये भाव नहीं दिया जाता है जिस भाव के कारण हम लोग गोलोक वृंदावन पहुंचते हैं। तो आश्रय करिया भजे तारे कृष्ण नाही तज। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने लाइफ में ये चीज को पूरी तरीके से पालन की। उन्होंने गौर के सरदास बाबा जी महाराज जिनको मतलब लिखना नहीं आता था उनके आश्रय में भजन साधना की। भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिताजी के आश्रय में भजन साधना की। तो ऐसे करके देख सकते उन्होंने उनके लाइफ में इस चीज का पूरी पालन की। और 4 नियम पालन करना, या उनके लाइफ में दिखा जाए तो मैंगो का जो है उन्होंने पूरी लाइफ में नहीं ली। तो हम लोग जब दीक्षा ले रहे हैं, दीक्षा के लिए हम लोग कई बार क्या है हमारे पास वो मतलब बेताव नहीं आ रहता है कि दीक्षा लेना है करके, लेकिन देखो भक्ति सरस्वती को हमको सिखाते हैं कि दीक्षा हम लोग नहीं लेते हैं तो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ एक्चुअली शुरुआत ही नहीं होता है।
दीक्षा का मतलब है इनिशिएशन। वैदिक शास्त्रों को बताते हैं कैसे अनुगत्य में रह के करना है। तो इनिशिएशन के बारे में उनके जो बेचैनियां हैं तो वो हम सीख सकते हैं, और कैसे गुरु के आदेश को फॉलो करना है, उसके भावधारा में आगे चलना है, तो ये सब चीज हम सीख सकते हैं। तो बेसिकली दो तीन चार चीज हम जो अभी सीखेंगे कि अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, जैसे उन्होंने पूरी जिंदगी एक भाव को लेके रखी है। फिर उनके जो बेचैनियां थी 17 बार उनको रिजेक्ट हुआ, फिर इनिशिएशन के लिए उन्होंने बेताब दी। तो ऐसे ही हमारे इनिशिएशन के लिए बेताब रहना चाहिए, मतलब नहीं तो हमारे ये भक्ति जीवन शुरू ही नहीं होगा। और इनिशिएशन में हम लोग जो भाव लेते हैं वो भाव को कभी गिरने नहीं देना चाहिए। जैसे हम लोग भाव लेते हैं कि हम लोग 4 नियम का पालन करेंगे, 16 माला जप करेंगे और गुरुदेव को प्रचार में सहायता करेंगे, तो इस भाव को कभी गिरना नहीं देना चाहिए। और ये जो अनुगत्य में रह के सेवा करना, तो ये सब चीज हम लोग सीख सकते हैं भक्तिसिद्धांत साराश्वती ठाकुर से। तो यहीं पर हम कथा का विराम देते हैं। भक्तिसिद्धांत साराश्वती ठाकुर की।